गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा शुरू हो रहा है टॉपिक प्रोटीन्स। ठीक है, इससे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट्स को प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो नाउ जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की यहाँ पर हम संरचना भी देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर उपस्थित रहेगा। ऑलराइट, तो प्रोटीन्स सबसे पहली बात, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित है और सारे फंक्शंस जो है, मोस्ट ऑफ ऑल सारे फंक्शंस को प्रोटीन ही कंट्रोल करता है। चाहे वो अगर हम बोलते हैं एंजाइम है तो वो भी प्रोटीन नेचर का है, अगर हम बोलते हैं कोई हॉर्मोन है तो उसका नेचर भी कैसा है, प्रोटीन का है। अगर हम बोल रहे हैं कोई संरचना हमारी बन रही है जैसे मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन उपस्थित, तो वो भी क्या है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारे शरीर में, वो सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटीन्स। अब हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स में उपस्थित है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 10,000 से भी ऊपर के प्रोटीन्स की वेराइटी हमें देखने को मिल सकती है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अमीनो एसिड का ही कॉम्बिनेशन ही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल यूनिट की अगर बात करते हैं तो वो क्या है प्रोटीन का, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। राइट, तो सबसे पहले हम संरचना इसी की पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोटीन पर जाएंगे और देखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। तो अमीनो एसिड सारे मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। तो अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट यूनिट, एक इकाई है प्रोटीन की जो सारी मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। राइट, तो अमीनो एसिड की जब हम संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना कैसी होती है देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी हमें, जहां पर हम देखेंगे कि एक यहां पर अमीनो ग्रुप उपस्थित रहता है, या जिसे हम अमीनो समूह कहते हैं, एक यहां पर कार्बोक्सिल समूह उपस्थित रहता है, या इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके अलावा यहां पर एक आर ग्रुप उपस्थित रहता है और एक एच। तो ये तीनों का तो हम मान के चलते हैं कि ये तो अमीनो एसिड में रहते ही रहते हैं, लेकिन आर ग्रुप जो है, ठीक है, इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इस ग्रुप में हमें काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से चेंज उपस्थित होगी, उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड देखे जाएंगे। क्लियर। दूसरी चीज, NH2 और COOH ज्यादा या कम भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है ज्यादा COOH हो एक से ज्यादा, NH2 ग्रुप हो सकता है एक से ज्यादा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों यहाँ पर उपस्थित। दूसरी बात, एक नॉर्मल अगर हम ग्लाइसिन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, सबसे सरल है। ठीक है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आइसोमर्स देखे जाते हैं, एनएचओमेरिक आइसोमर्स अमीनो एसिड में देखे जाते हैं। ये पूरी संरचना जैसे हमने बोली ये अमीनो एसिड की है। राइट, तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे आइसोमर्स। ठीक है, दूसरी चीज, आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं, डी या एल प्रकार। मोस्ट ऑफ द जो हमारी बॉडी में आइसोमर्स होते हैं वो एल प्रकार के, एल अमीनो एसिड्स होते हैं, बाकी बैक्टीरिया में डी प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी और एल टाइप के अमीनो एसिड्स यहाँ देखने को हमें मिले। तो जब हम इनकी संरचना पे आते हैं तो संरचना के आधार पर हम देखेंगे
उपस्थित रहते हैं। तो ये तो है डी प्रकार का डी अमीनो एसिड और ये है एल प्रकार का एल अमीनो एसिड। ये सारे दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली अमीनो एसिड इसी फॉर्म में हमें देखने को मिले, ठीक है, इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो देखने लायक है वो ये है कि अमीनो एसिड्स डाइपोलर भी होते हैं और किस फॉर्म में उपस्थित रहते हैं, द्वि ध्रुवी होते हैं, तो ज्विटर आयन के फॉर्म में भी उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये डाइपोलर है या द्वि ध्रुवी है तो यहां हम देखेंगे COOH- यहां पर NH3+ और यहां पर R ग्रुप, यहां पर H, मतलब यहां पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इसके ऊपर हम देख सकते हैं। नेगेटिव का मतलब हुआ कि ये यहां से H ग्रुप को डोनेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये क्या कर सकता है, ले सकता है एक H को, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्विटर आयन के फॉर्म में देखने को हमें मिल सकती है चीजें। तो इस तरह से ज्विटर आयन द्विध्रुवी प्रकार का नेचर रखता है। अब जब हम अगर इसके बीच के बॉन्ड की बात करते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, हमने बोला सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते, राइट, इस तरह से प्रोटीन्स बनते। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध उपस्थित रहता है इनके बीच। अब देख लेते हैं एक बार पेप्टाइड बॉन्ड की संरचना किस प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने देखा हम ग्लाइसिन और एलेनिन दो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड के बीच में देखेंगे तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगे। NH2COOH, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां पे हमने बोला R ग्रुप की जगह पे क्या उपस्थित है, H की उपस्थित। प्लस करेंगे हम अगर यहां पे तो यहां पे भी हमें ऐसी ही संरचना देखने को मिलेगी NH2, राइट, इससे अटैच है C, यहां पर R ग्रुप है तो CH3 हो जाएगा और यहां पर H ही उपस्थित रहेगा, COOH, ठीक है। ये एलेनिन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन भी नॉर्मली एच ग्रुप ही प्रेजेंट है और वहां पर CH3 ग्रुप उपस्थित है। अब हम देखेंगे जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग कैसे होगी, ये जो OH और H है दोनों, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे नीचे की तरफ H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे या ये दोनों मिलकर रिमूव हो जाएंगे यहां पर बॉन्ड बना। तो बचा क्या हमारे पास यहां पर COO और H, तो इन दोनों के बीच में यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग रखता है, तो इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों आपस में मिल जाते हैं यहां पर, क्लियर, राइट। और इस तरह से दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। दूसरी बात की बात करते हैं हम यहां पर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं
और कुछ होते हैं जो हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं रहते, तो उसे हम बोलते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। पहली बात, अगर कोई अमीनो एसिड हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है, हमारे जो शरीर है वो उसे फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, उसका निर्माण नहीं कर रहा है अमीनो एसिड का, इसीलिए वो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसे बाहर से ले। तो बॉडी फॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब बाहर से फूड के द्वारा इस अमीनो एसिड को लिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और हम एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारे जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उनमें से हम मान के चलते हैं कि 10 अमीनो एसिड हमारे एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 10 जो अमीनो एसिड हैं वो एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, बाहर से लेना जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी खुद उन्हें फॉर्म नहीं कर रही, और क्योंकि अब उन्हें एसेंशियल है तो वो हमारे बॉडी के काफी सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करेंगे, काफी सारे कार्य करेंगे, वृद्धि में, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है, ग्रोथ करवाएंगे, और इसी के साथ काफी सारी एक्टिविटीज को ये सपोर्ट करेंगे, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और हमारे बॉडी के पास इतने सब्सटेंसेस नहीं है कि वो आसानी से इनको बना सके। दूसरी जगह नॉन एसेंशियल की अगर बात करें, राइट, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी उन्हें फॉर्म कर रही है, इसलिए उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है हमें बाहर से लेने के लिए। तो फूड के फॉर्म में हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो अमीनो एसिड भोजन, ठीक है, भोजन से बाहर से उन्हें हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी बॉडी सफिशिएंट बना रही है और कार्य कर रही है, इसलिए हम उनको नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। और इसमें भी 10 अमीनो एसिड्स आते हैं, तो 10 और 10 मिलकर 20 हो जाते हैं, बाकी दूसरे अमीनो एसिड्स जो है सारे मिलकर प्रोटीन के फॉर्मेशन को या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि अगर अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं होते हैं या कहीं किसी भी वजह से अमीनो एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो हम देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण जो होगा वो होगा ही, प्रोटीन ही नहीं बनेगा क्योंकि अमीनो एसिड है ही, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, स्पेशली ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो रुक जाएगी या होगी ही नहीं, और काफी सारे डिजीजेस का भी सामना हमें करना पड़ सकता है, काफी सारी बीमारियां हमें देखने को मिल सकती है। तो इनकी उपस्थिति अमीनो एसिड्स की बहुत जरूरी है ताकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं बॉडी की वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, सारे कार्य कर सके, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रख सके, राइट। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के, अनिवार्य और अनिवार्य अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अनिवार्य नाम इसके दे रहे हैं कि हमें बाहर से लेना उनको जरूरी है, इसलिए अनिवार्य। ये हुए हमारे अनिवार्य में 10 अमीनो एसिड, वही हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो नॉन एसेंशियल में भी हमारे 10 होने चाहिए,
आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलैनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ठीक है, वही नॉन एसेंशियल फैट में एलेनिन, एस्पैरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसीन, प्रोलीन, सीरीन टाइप्स, ये सारे इस तरह से आते। अब इन पे हमने स्टार लगाया है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारी बॉडी में किसी अवस्था में बचपन में या हम बोलते जो बर्थ टाइम होता है, यंग टाइम होता है, चाइल्ड टाइम होता है, उस समय पर इनका फॉर्मेशन कई बार होता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें एसेंशियल नहीं कहते, सेमी एसेंशियल कहते, कि अर्थ अनिवार्य प्रकार की है और ये दो ही है क्योंकि इनका बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय में बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाद में किसी अवस्था में नहीं भी होता है तो बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप इनको बोलते हैं आर्जिनिन एंड स्टेरिन को सेमी एसेंशियल या अर्थ अनिवार्य प्रकार के अमीनो एसिड, इन्हें हम दूसरी कैटेगरी भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बॉडी में फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रकार के अमीनो एसिड्स। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का। ठीक है, क्लासिफिकेशन कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर हमें इन्हें क्लासिफाई करना है। ठीक है, दूसरी संरचनाएं भी होंगी, ठीक है, दूसरे बेसिस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम संरचनाओं की बात करेंगे, और संरचनाओं में सबसे पहला नंबर आता है एलिफेटिक ग्रुप के आधार पर। ठीक है, एलिफेटिक जो ग्रुप है उनके आधार पर इनका वर्गीकरण होगा, इनका क्लासिफिकेशन। एलिफेटिक ग्रुप का मतलब हुआ कि यहां पर वन ग्रुप जो है या वन अमीनो ग्रुप उपस्थित रहेगा, अमीनो समूह उपस्थित रहेगा, इसी के साथ वन कार्बोक्सिल समूह उपस्थित रहेगा। ठीक है, और जो आर ग्रुप है उसके आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, इसलिए हम उन्हें एलिफेटिक ग्रुप में रख रहे हैं, क्योंकि आर जो है वो अलग अलग प्रकार से होगा, तो उस बेसिस पर इन्हें हम एलिफेटिक ग्रुप में या एलिफेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक अमीनो एसिड भी इन्हें हम नाम दे सकते हैं। राइट, अब इसमें सबसे नंबर वन पोजिशन पर आता है ग्लाइसीन, जो कि हमने बोला सबसे सिंपल प्रकार का अमीनो एसिड है। ठीक है, एक चीज है जो हमें यहां पर देखने को मिलेगी, वो ये है कि NH2 अमीनो ग्रुप यहां पर उपस्थित रहेगा, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप भी यहां उपस्थित रहेगा, HP यहां उपस्थित रहेगा, चेंज कहां होगा सिर्फ R, और R ग्रुप में ग्लाइसीन में यहां पर HP उपस्थित। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि NH2, CH2 एंड COOH, लेकिन क्योंकि हमें संरचना समझनी है कि कहां चेंज है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से ही शो करें। तो ग्लाइसीन में सिर्फ एक H एक्स्ट्रा है, बाकी अमीनो संरचना बिल्कुल वैसे की वैसे है। ठीक है, तो इसे हम सबसे सिंपल अमीनो एसिड की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा हमारा आता है यहां पर एल। ठीक है, ये ग्लाइसिन से थोड़ा ऊपर है, इसको जब हम देखेंगे तो एच है यहां पर, COOH यहां पर उपस्थित रहेगा, NH2 यहां पर उपस्थित रहेगा, लेकिन एक आर ग्रुप की जगह पे वहां एच था, यहां पे आ जाएगा CH3। राइट, तो ये हो जाता है हमारा एलेनिन अमीनो एसिड। ठीक है, वही अगर हम तीसरा अमीनो एसिड देखें, इसी में एलिफेटिक ग्रुप में,
यहाँ पर दो CH3 आ गए, ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखा, और दो CH3 डायरेक्ट तो इससे अटैच हो नहीं सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर एक और कार्बन एक्स्ट्रा इनपुट हुआ, ठीक है। तो वैलिन की संरचना हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जहां पे C से ही दो CH3 ग्रुप अटैच। फोर्थ हम देखेंगे ल्यूसीन की संरचना, ठीक है, ये है C, ये है COOH, इधर है NH2, इधर है H। अब R ग्रुप देखना है तो यहां पर CH2 आया, राइट, C आया, CH3 और यहां पर H, कुछ भी नहीं हुआ है। वैलिन में सिर्फ क्या चेंज हो गया, एक CH2 ग्रुप जो है वो और है, ठीक है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ल्यूसीन, कि यहां पर एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, बाकी संरचना अगर हम इसको हटा देंगे तो पूरा वैलिन की संरचना दिखेगी, राइट, ठीक है। लेकिन बीच में एक CH2 ग्रुप दिख गया, इसलिए हमें वहां पर क्या मिला है, ल्यूसीन की संरचना देखने को मिल रही है, और इस पूरे ग्रुप को हम R से नाम दे रहे हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे आइसोल्यूसीन की संरचना, फिफ्थ है आइसोल्यूसीन, सेम संरचना COOH NH2H। R ग्रुप में देखेंगे CH3 CH2 CH3, वही देख रहे हैं, सिर्फ यहां पे क्या हुआ है, ये CH2 ऊपर था, उसकी जगह पे CH2 बीच में आया, संरचना बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, सेम संरचना यहां देखने को मिल रही, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोल्यूसीन, क्योंकि ल्यूसीन जैसा ही है उसके जैसा सेम कंपाउंड दिखता है, बस उसमें CH2 ऊपर है, इसमें CH2 नीचे है, कोई और एडिशन नहीं हो रहा है, वही है, दो CH3 है, एक CH2 और एक C है एक्स्ट्रा, ठीक है, R ग्रुप के अंदर। तो हम कंपेयर करें अगर आइसोल्यूसीन और ल्यूसीन की संरचना, अभी जो जस्ट अपन ने बनाई थी तो उसमें हमने क्या देखा था, ठीक है, एक CH2, एक CH2, दो CH3 और एक H, दो CH3, एक H और एक C, ठीक है, बिल्कुल बराबर चीजें हैं, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग है यहाँ पर CH2 में, यहाँ CH2 बीच में आ गया और वहां पर ऊपर की तरफ उपस्थित है, इसलिए हम ल्यूसीन के समान ही बोलते हैं संरचना को, इसलिए इसका नाम है आइसोल्यूसीन, क्लियर। तो इस तरह से इसके अंदर हमारे 5 अमीनो एसिड्स की ग्रुप आते हैं। पहली बात की थी हमने इसमें ग्लाइसिन की, जिसमें सिर्फ एक एच ग्रुप था, फिर हमने बात की एलेनिन की, जिसमें सिर्फ एक CH3 ग्रुप था, फिर हमने बात की वैलिन की, जिसमें दो CH3 ग्रुप थे और एक C ग्रुप था, ठीक है, फिर हमने बात की ल्यूसीन की, जिसमें एक CH2 बीच में आ जाता है, दो CH3 ग्रुप थे और एक C था एक्स्ट्रा, फिर हमने बात की आइसोल्यूसीन की, इसकी संरचना में हमने देखा दो CH3 ग्रुप बीच में, एक CH2 ग्रुप और एक कार्बन उपस्थित, इस तरह से ये संरचना आगे आगे बढ़ती जाती है, तो इसे हम बोलते हैं एलिफेटिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, जो कि हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप है अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन का।